Hi guys, I am BK Sharma from Icon School Jesus A. Welcome to Icon English classes. Class 5th, subject English, lesson 1st, we shall overcome. Recite the given lines together with your teacher. Dhyan rakhiye, yeah, class 5th, lesson 1st hai, we shall overcome, subject English hai. जो बच्चे अभी तक कोर्स लेकर नहीं आए मार्केट से वो अपना कोर्स लेके आए. हिंदी के हमने 5 लेसन्स कंप्लीट करा दिए हैं. अब आपकी इंग्लिश चल रही है, इनकी सेपरेट नोटबुक आप बना लीजिए. बाकी की मैथ क्लासेस चल रही हैं आपकी, जीके क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आइकॉन इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, स्पोकन कंप्लीट हो चुकी है. जो जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उनके अलग से नोटबुक तैयार कर लें. जब आप स्कूल आएंगे तो इन्हीं नोटबुकों को चेक किया जाएगा. ध्यान रखिए, गंभीरता से अपना होमवर्क करें. डोंट वेस्ट योर टाइम, और अपना समय बर्बाद न करें. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. रिसाइट द गिवन लाइंस टुगेदर विथ योर टीचर. रिसाइट यानी गाइए इन दी गई पंक्तियों को साथ साथ, अपने टीचर के साथ साथ इन दी गई पंक्तियों को गुनगुनाइए. रिसाइट गाइए. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओह, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. Isn't it an inspiring song, children? बच्चों, क्या ये एक प्रेरक प्रेरणादायक गीत नहीं है? Isn't it an inspiring song, children? क्या बच्चों ये एक प्रेरणादायक गीत नहीं है? Do you know it was translated into Hindi from English by a renowned poet Girija Kumar Mathur. आप जानते हैं इसका अनुवाद किया गया इंग्लिश से हिंदी में एक प्रसिद्ध कवि के द्वारा, गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा. Let's read and sing the English song here. अब आपको ये इस इंग्लिश सॉन्ग को पढ़ना है तो यह दिया गया है. Let's read and sing the English song here. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. So guys, this poem is written by Charles Edward Tyndale. The writer of this poem is Charles Edward Tyndale. Very famous poem written by Charles Edward Tyndale. इस कविता को लिखने वाले का राइटर का नाम है Charles Edward Tyndale. अभी हमने आप इस कविता को पढ़ के सुनाया था, ऐसे ही आपको पढ़ना है, इस कविता को लर्न करना है, अपने पेरेंट्स को सुनाना है. अब मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. कवि कह रहा है कि हम एक दिन जीतेंगे. Overcome का मतलब अपनी मुसीबतों पे जीत हासिल करेंगे, अपनी
दुविधाओं पे जीत हासिल करेंगे, अपने दुखों पे जीत हासिल करेंगे, हमारी परेशानियों पे जीत हासिल करेंगे। वी शैल ओवरकम समडे। एक न एक दिन हम अपनी मुसीबतों, बाधाओं, रुकावटों और जैसे कोरोना जैसी बीमारियों पे जीत हासिल करेंगे। वी शैल ओवरकम समडे। तो आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है, निराश हो चुकी है, इसलिए यह कविता एक ऊर्जा का काम करेगी, सबको ये विश्वास दिलाएगी कि आज जो समस्या है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उस पर हमें एक दिन जीत हासिल करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा और प्रकाश फिर होगा। तो यही कविता हमें इंस्पिरेशन देती है। दोबारा देखिए, We shall overcome someday। कि एक दिन हम हमारी समस्त इन बुराइयों पर, बाधाओं पर, चिंताओं पर जीत हासिल कर लेंगे। और deep in my heart, I do believe we shall overcome someday। मेरे अंदर हृदय की गहराइयों से मुझे पक्का विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं मुझे पूरा यकीन है कि वी शैल ओवरकम समडे, कि हम आने वाली हमारी समस्याओं, बाधाओं, मुसीबतों पर विजय हासिल करके रहेंगे। आई फील इट स्ट्रोंगली, मैं इसे बहुत जबरदस्त तरीके से महसूस करता हूं कि हम हमारी सभी समस्याओं पर विजय हासिल कर लेंगे। We'll walk hand in hand someday। और एक दिन हम सभी मतभेदों को बुलाते हुए एक साथ चलेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ प्रोग्रेस करेंगे। We'll walk hand in hand someday। यानी कि एक दिन हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ विकास करेंगे और हम प्रगति की ऊंचाइयों को छुएंगे। Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand someday। और इस बात को मैं अपने हृदय की गहराइयों से महसूस करता हूं कि हम बहुत ही सभी मतभेदों को बुलाते हुए, जाति धर्म जैसे सभी मतभेदों को बुलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देश की प्रगति के लिए रास्ते खोलेंगे। We are not afraid today। और हम डरे हुए नहीं हैं, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, आज हम बिल्कुल डरे नहीं हैं। ओ डीप इन माई हार्ट, मतलब मेरे दिल की गहराइयों से मैं इस चीज को महसूस करता हूं कि हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। आई डू बिलीव, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, कि आज हम कोरोना जैसी बीमारियों से बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, आशाओं से भरे हुए हैं, अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा और फिर प्रकाश होगा, फिर हम वही हमारी दैनिक दिनचर्या पर काम करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। The truth shall make us free someday। और ये सच्चाई हमें स्वतंत्र बनाती है, सच्चाई का साथ हमको देंगे तो हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जो सत्य बोलते हैं उन्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य हमें एक दिन स्वतंत्र कर देगा, सभी बाधाओं से मुक्त कर देगा। ओ डीप इन माई हार्ट, I do believe the truth shall make us free someday। कि जो सच्चाई है वो हमें स्वतंत्र बना देगी, हमें सभी बीमारियों से, बाधाओं से, चिंताओं से मुक्त कर देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। I feel it strongly, मैं इसे जबरदस्त तरीके से अपने हृदय की गहराइयों से महसूस करता हूँ। We shall live in peace someday। और हम शांति से रहेंगे। एक दिन जहां शांति होगी वहां प्रगति होगी, वहां विकास होगा, वहां समृद्धि होगी, वहां संपन्नता होगी। कब? जब शांति होगी तभी होगा, और ये शांति एक दिन हमें प्राप्त होके रहेगी। और डीप इन माई हार्ट, आई डू बिलीव We shall live in peace someday। मुझे अपने दिल की गहराइयों से ये पूरा यकीन है कि हम एक दिन शांति से रहेंगे। इस तरह इस कविता को लिखने वाले लेखक का नाम है चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। ओके, ग्लोसरी, ओवरकम। ओवरकम मतलब सक्सीड इन डीलिंग विद ए प्रॉब्लम ऑफ ए डिफिकल्टी, किसी परेशानी पर
विजय प्राप्त करना, एफ्रेड फीलिंग फियर और एंग्जिटी फ्राइटेंड डरा हुआ होना, चिंता होना या डर की भावना, हैंड इन हैंड होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे के हाथ को थामे हुए, बिलीव, बिलीव का मतलब टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, यह सोचना कि कोई चीज सत्य है, करेक्ट है, रियल है, ऐसा यकीन करना, विश्वास करना, पीस ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वार और वायलेंस और पीपल लिव हैप्पीली, एक ऐसा समय जब कोई युद्ध नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी और लोग बड़ी शांति से रहेंगे. एक्टिविटी फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट मेक्स फ्री, कभी के अनुसार, कभी के मुताबिक हमें कौन सी चीज है जो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट मेक अस फ्री, कभी के अनुसार हमें कौन सी चीज स्वतंत्र बनाती है, ट्रुथ, ये हमारा ट्रुथ डी सत्य है, हमें जो ट्रुथ है वो हमें स्वतंत्र बनाता है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट मेक अस फ्री, हमें स्वतंत्र कौन सी चीज बनाती है, ट्रुथ. व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, हैंड इन हैंड का मतलब इस सॉन्ग में किस चीज से मतलब है, क्या तात्पर्य है हैंड इन हैंड का, यूनाइटेडली, यूनाइटेडली यानी एकजुटता से, एक साथ आगे हम बढ़ेंगे. व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन, व्हाट डज डीप इन हार्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन का मतलब क्या होता है, व्हाट आई स्ट्रांगली फील, कि जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से फील करता हूं, तो इसका आंसर है पी, बी राइट करेंगे यहां पे. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा झूठा. वी शैल नेवर ओवरकम, ये वी शैल नेवर ओवरकम कि हम कभी नहीं जीतेंगे, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, ये गलत है, इसको आप रॉन्ग कर लीजिएगा. ओके, वी विल वॉक सेपरेटली, हम अलग अलग चलेंगे, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है, इसको भी गलत कर लीजिएगा. द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, और सच्चाई हमें एक दिन आगे बढ़ाएगी, ये सही है, ये राइट है, इसको राइट का निशान लगा लीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के जवाब दीजिए. व्हाई डज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड, कवि ऐसा क्यों कहता है कि हम डरे हुए नहीं है, कभी ऐसा क्यों कहता है, व्हाई डज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड, द पोएट सेज वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट, क्योंकि वह इसको दिल की गहराइयों से महसूस करता है, बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट, कि वी आर नॉट अफ्रेड, कि हम डरे हुए नहीं है. विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कौन सी लाइन इस गीत में आपको ये बताती है कि कवि शांतिपूर्वक वर्तमान में नहीं रह रहा है. द लाइन वी शैल लिव इन पीस सम डे, यह पंक्ति वी शैल लिव इन पीस सम डे, कि हम एक दिन शांति से रहेंगे, इन द सॉन्ग टेल्स अस दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, जो लाइन है कि वी शैल लिव इन पीस सम डे, ये लाइन हमें बताती है कि कवि वर्तमान में पीसफुल तरीके से नहीं रह रहा है. हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, आप कैसा महसूस करते हैं जब आप इस गीत को गाते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, जब हम इस गीत को गाते हैं, वी फील इंस्पिरेशन, हमें प्रेरणा महसूस होती है टू फेस टफ सिचुएशन विद करेज, ताकि हम इस टफ सिचुएशन का, कठिन स्थिति का हम साहस के साथ सामना कर सकें. ओके, एक्टिविटी सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से चुनकर भरना है. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे ट्रूथ आएगा, इस ट्रूथ को यहाँ लिखेंगे. इन द ट्री कलर व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर, व्हाइट कलर किसके लिए आता है, व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस, यहाँ पीस लिखेंगे इस जगह. ए थीफ इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ पुलिस, एक चोर हमेशा पुलिस से डरा रहता है. विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम हमारे फियर्स पर, हमारे डरों पर, हमारे जो डर हैं उन पर जीत हासिल कर लेंगे. ओके गाइस, आगे का वर्क आप खुद करें, ध्यान रखिए. क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स, अलग से सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, सब्जेक्ट इंग्लिश लिख दीजिए, लेसन फर्स्ट करके पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिएगा, और बार वीडियो अगर समझ में नहीं आए, पॉइंट समझ में नहीं आए, तो उसको बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा. ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट अभी तक कोर्स नहीं लेके आए, ध्यान रखिए बोर्ड की एग्जाम है आपकी, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय बर्बाद न करें, और आज ही अपनी बुक्स वगैरह मार्केट से ला करके, कोर्स ला करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें. ओके गाइज, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय.